Subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मावा गुजिया। होली हो या दिवाली या और कोई भी त्योहार, ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे हर घर में बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 200 ग्राम सूजी, 50 ग्राम खोपरा, 100 ग्राम पीसी शक्कर। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शक्कर ज्यादा ले सकते हैं। 100 ग्राम मावा, 4-5 इलायची, 4-5 काजू जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, 15-20 किशमिश, 1 चम्मच घी जिसे हम सूजी को भूनने में यूज करेंगे, डो बनाने के लिए 200 ग्राम मैदा, 1 चम्मच ऑयल जिसे हम मैदा को गूंथने में यूज करेंगे, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकती हैं, मैं यहाँ ऑयल यूज कर रही हूँ, 1 कप पानी फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए अभी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया का डो तैयार कर लेते हैं। मैदा ले लेंगे, ऑयल डाल देंगे और सबसे पहले तो ऑयल को मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं जिससे हमारा मोयन अच्छी तरीके से आटे में लग जाए। मोयन अच्छी तरीके से आटे में लग गया है, इसे देखने के लिए हम इस तरीके से ऐसे लड्डू बांधेंगे। अगर ये इस तरीके से बन जा रहा है इसका मतलब हमारा मोयन सही है। चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूंथ लेंगे। प्रायः जब हम घर में पूड़ी या पराठा जो बनाते हैं उसमें हम सॉफ्ट गूंथते हैं, पर जो गुजिया का आटा होता है हम इसे कड़ा गूंथते हैं। तो ध्यान रखिए गूंथते समय पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए हमारा गुजिया का आटा लग गया है, हमने इसे काफ़ी कड़ा गूंथा है। गुजिया का आटा ऐसे ही कड़ा लगाना होता है। अब हम इसे 15-20 मिनट इस तरीके से रेस्ट करने के लिए रख देते हैं जिससे हमारा आटा फूल जाए। तब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, चलिए हम सूजी और मावा को भून कर तैयार कर लेते हैं। हमारा पैन गरम हो गया है, उसे ले लेंगे। गरम हो गया है, हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जिससे हल्के से रोस्ट हो जाए। काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे। हमें अपने ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट करने हैं जिससे इसका कच्चापन चला जाए। ऐसा घी में ये रोस्ट हो जाने से इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। सेकेंड में ही ये हल्के से लाल होने लगेंगे। ये देखिए ये हल्के से लाल हो गए हैं। अब हम अपना सूजी डाल लेंगे इसी में, अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सूजी को हम लो फ्लेम में इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे सूजी जलने ना पाए, क्योंकि सूजी के भुनने पे ही डिपेंड करता है गुजिया का टेस्ट। अगर सूजी थोड़ा सा भी पैन पे लग गया या तो सारा टेस्ट चला जाएगा। तो सूजी को भूनते समय ध्यान रखें हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, लो फ्लेम पर भूनना है। देखिए हमारा सूजी ऑलमोस्ट भून गया है। अब हम इसमें खोपरा डाल देंगे और सूजी के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे। खोपरा को ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने इसे अभी मिलाया है। जब सूजी हमारी ऑलमोस्ट भून चुकी है, हमारा खोपरा सूजी के साथ बस हल्का सा भून जाना चाहिए ताकि उसका कच्चापन चला जाए। ये देखिए हमारी सूजी भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसके भुन जाने की खुशबू भी आने लगी है। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। अभी हमारा पतीला गर्म है तो आप चम्मच चलाते रहिए, नहीं तो सूजी तले पर लग जाएगा, नहीं तो आप इसे तुरंत किसी प्लेट पर शिफ्ट कर दें जिससे ये जले ना। चलिए अब हम इसे प्लेट पर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम उसी पैन में खोआ को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। खोआ को इस तरीके से क्रम्बल करके डालते हैं। हमारा खोया भी भुन गया है, अब हम इसे अपने स्टफिंग में डाल देंगे। डाल दिए, पीसी चीनी मिला देंगे, इलायची जिसे हमने छील कर कूट लिया है वो मिला देंगे और सारे मिश्रण को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्टफिंग तैयार है, हमने सारे मिश्रण को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सूजी, खोआ, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा आटा सेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए हमारा आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम गुजिया बनाने के लिए इसकी छोटी छोटी लोई इस तरीके से तोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने गुजिया के लिए सारी लोई तोड़ ली हैं। चलिए अब इसका गुजिया तैयार कर लेते हैं। चलिए अब एक एक लोई निकाल कर बेल लेते हैं। इसे ढककर रखेंगे, नहीं तो हमारा आटा सूखने लगेगा। इसे इस तरीके से बेल लें, हमें इसे पतला बेलना है। मुझे बेलते समय ध्यान रखें कि हमें समान मोटाई में इसे बेलना है, ऐसा ना हो कि किनारे पर पतला हो गया, बीच में मोटा हो गया। सांचे में इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा दें जिससे हमारा आटा सांचे पे चिपके ना। इस तरीके से इसे रख लेंगे और हमने जो स्टफिंग तैयार की है उसे डाल देंगे। स्टफिंग डालते समय ध्यान रखें हमें स्टफिंग को इस किनारे पे नहीं डालना, नहीं तो हमारी गुजिया फ्राई करते समय फटने लगेगी। तो स्टफिंग बीच में डालें, स्टफिंग थोड़ा कम भरें जिससे हमारा स्टफिंग बाहर ना आए जब हम गुजिया फ्राई करते रहें। इसे इस तरीके से प्रेस करके हम गुजिया बना लेंगे और एक्स्ट्रा जो है उसे इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए हमारा गुजिया तैयार है। अगर हमारे पास सांचा अवेलेबल नहीं है तो हम गुजिया हाथों से भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे हाथों से कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा लोई लेकर इसे बेल लेंगे। एक पूरी के समान इस तरीके से बेल लेंगे और हम स्टफिंग बीच में डाल देंगे जैसा हम डालते हैं और इसे इस तरीके से किनारों से दबाते हुए पैक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे तरीके से पैक हो गया। अब हम इसे इस तरीके से अपने नाखून से इसे हल्का सा प्रेस करते हुए डिजाइन दे देंगे। तो अगर हमारे पास सांचा अवेलेबल नहीं है और हमें गुजिया बनाना है तो हम ये डिजाइन देते हुए हाथों से इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको सांचे की जरूरत नहीं है। ये देखिए बन गया हमारा गुजिया। ये देखिए हमारी सारी गुजिया बनके तैयार है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गरम हो गया है, गुजिया डाल लेते हैं। पलट कर कर लेंगे। गुजिया को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-6 सेकंड्स में सीख जाती है। ये देखिए हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। चलिए इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। हमारी क्रिस्पी गुजिया तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।